हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेकवे सॉल्यूशन में। आज हम आपको जो केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS में फर्स्ट में एडमिशन के लिए जो फॉर्म निकला है, वो फॉर्म हम किस तरह से भरते हैं उसका तरीका बताएंगे, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें, और आप हमारी सोशल मीडिया टीम से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर आसानी से जुड़ सकते हैं। इसके लिए हम पंजीकरण करने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शन दिखाई देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन हम रीड कर लेते हैं। इसके पश्चात हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आगे बढ़े का ऑप्शन दिखाई देता है, हम यहाँ पर आई एग्री कर देते हैं और यहाँ पर आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं। हम यहाँ पर हमको बच्चे का नाम, बच्चे का सरनेम, और यहाँ पर अगर वो डिसेबल है तो आपको वहाँ पर उसको वो जानना है, डिसेबल की जानकारी डालना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी हैं तो आपको यहाँ पर हाँ या नहीं में जवाब देना है। इसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कैप्चर कोड डालकर हमको रजिस्टर्ड पर क्लिक करना है। हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट नाम डाल देते हैं। अब हमने रजिस्टर्ड पर क्लिक किया तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको OTP दर्ज करना है, हम जो हमने मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर एक OTP रिसीव होता है, वो OTP हमको यहाँ पर इनपुट करना है। OTP इनपुट करने के बाद हमको यहाँ पर कैप्चर कोड इनपुट करना है, हम कैप्चर कोड यहाँ पर इनपुट कर देते हैं और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है रिसेंट OTP, अगर आपके पास OTP रिसीव नहीं हो तो आपको यहाँ पर रिसेंट पर क्लिक करना है, अन्यथा आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर बच्चे का नाम, बच्चे का लॉगिन कोड, बच्चे की जन्म तिथि और यहाँ पर पंजीकृत मोबाइल नंबर आपको शो दिखाई देते हैं। आप चाहे तो इसको प्रिंट निकाल कर रख सकते हैं या फिर पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको लॉगिन कोड डालना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर कैप्चर कोड और यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर कैप्चर कोड डालना है और हमको साइन इन पर क्लिक करना है। हम इंफॉर्मेशन इनपुट कर देते हैं। लॉगिन करने पर आपको कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन दिखाई देता है, हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और जो आगे की इन्फॉर्मेशन है वो फिल करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको जेंडर चेंज करना है, आपका मेल फीमेल क्या है। इसके बाद परिवार की जो आय का वर्ग है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जैसे कम आय वर्ग के नहीं हैं या फिर EWS हैं या फिर BPL है, अगर आपका कोई भी एक है तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी का चयन करना है आपको, आप जनरल, OBC, OBC नॉन क्रीम लेयर, SC ST किस कैटेगरी में आते हैं वो आपको चयन करना है। इसके बाद अगर आपके पास ब्लड ग्रुप अवेलेबल है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अन्यथा हम नो करके आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट करने पर अब यहाँ पर पेरेंट्स की डिटेल हमको इनपुट करना है, जैसे मदर्स में हम क्या डालना चाहते हैं वो हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, मिस्टर, मिसेस या फिर लेट, जो भी आप डालना से डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर माता का नाम दर्ज करना है, यहाँ पर पिता का है और यहाँ पर उसका पिता का फुल नाम और उसकी नेशनलिटी इनपुट करना है, यहाँ पर मदर्स की नेशनलिटी इनपुट करना है। अब अगर यहाँ लिखा है कि आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता, पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिखा जाए तो आप हाँ करते हैं, अन्यथा आप इसको अलग अलग पता भी डाल सकते हैं। अगला ऑप्शन है आप किस देश के निवास हैं, हम यहाँ पर इंडिया चूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट क्या है, इसके आपको अपना जो स्टेट है, रेसिडेंट स्टेट वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो आपकी सिटी है वो सिटी आपको यहाँ पर इनपुट करना है। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर एड्रेस का कॉलम दिखाई देगा, आपको यहाँ पर एड्रेस इनपुट करना है। इसके बाद यहाँ पर घर का पता, अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो वो अवेलेबल तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपने ऑलरेडी डाल दिए हैं, अगर आप चाहते हैं तो दोबारा इनपुट कर सकते हैं, अन्यथा इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब नीचे हमको माता और पिता की इन्फॉर्मेशन डालना है, माता क्या करती है, कहाँ पर जॉब करती है तो क्या किस संस्थान में करती है। इसके बाद पिता क्या करते हैं और उसका संस्थान का नाम आपको यहाँ पर दर्ज करना है। ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। अगला कॉलम है आपको यहाँ पर चॉइस ऑफ स्कूल, यानी आपको यहाँ पर विद्यालय सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पर राज्य चुनना है, आपको किस राज्य में सिलेक्ट करना है। यहाँ पर राज्य चुनने के बाद हम स्कूल का चयन करते हैं तो आपको यहाँ पर लिस्ट दिखाई देगी, आप अगर जिस स्टेट में करते हैं वहाँ पर आपको इस तरह से लिस्ट दिखाई देगी, आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पर कोई सा भी एक स्कूल सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने धार सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पर स्कूल का मैप दिखाई देगा, आप चाहते हो तो उसको मैप जाके लोकेशन ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर निवास से विद्यालय की दूरी डालना है कि 5 किलोमीटर से कम है या फिर 5 किलोमीटर से अधिक है,
उस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लिखा है कि आपके माता पिता, दादा नाना नानी प्रोजेक्ट सेक्टर स्कूल की प्राथमिकता सेवा के लिए मान्य हैं, आप सेवा में प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर हाँ करना है आपको। और यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपको किस लेवल में सिलेक्ट करना है, आपका एक कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर अभिभावक में माता पिता जो भी है आपका, वो यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमने फर्स्ट स्कूल का रेफरेंस दे दिया, आप चाहते हैं तो विद्यालय सेकंड और विद्यालय थर्ड को भी रेफरेंस दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बच्चे का जन्म तिथि का प्रमाण अपलोड करना है और यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है, और साथ ही साथ यहाँ दिया गया है यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश की जाती है तब प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज विद्यालय के समकक्ष प्रस्तुत करने होंगे, जैसे बच्चे का जन्मतिथि का प्रमाण, बच्चों का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, निवास का प्रमाण, कैटेगरी सर्टिफिकेट, और अगर आप एम्प्लॉय हो तो उसके समकक्ष आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन है पेरेंट्स का यहाँ पर कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सत्य है और जो भी शर्तें हैं वो आपको एक्सेप्ट करना है। इसके बाद जो दस्तावेज अपलोड किए गए हैं वो आपको मूल प्रति प्रस्तुत करना है। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पे यस करना है कि मैंने उपरोक्त नियम एवं शर्तों को पढ़ लिया गया है, अब मैं इन सभी शर्तों से सहमत हूँ, और हम यहाँ पर सेव टू प्रीव पर क्लिक करते हैं। सेव टू प्रीव पर क्लिक करने पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है योर एप्लीकेशन डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अब हम ओके करते हैं तो यहाँ पर प्रीव का ऑप्शन आता है, हम प्रीव में डॉक्यूमेंट और हमारा फॉर्म चेक कर लेते हैं कि कुछ उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको कुछ करेक्शन करना हो तो अभी आप करेक्शन करा सकते हैं, बाद में इसको करेक्शन नहीं कर सकते। इसके बाद हम यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर एक और बार हमको पॉपअप ओपन होता है कि प्लीज़ नोट देयर वंस योर एप्लीकेशन इज सबमिट यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस। हम यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। अब थोड़ा सा समय लगता है, इसके बाद हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर पुनः OTP आता है। यहाँ पर ये फाइनल सबमिशन के लिए OTP आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर जो OTP है वो हम इनपुट करते हैं। इनपुट करने के बाद हम वेरीफाई OTP पर क्लिक करते हैं तो कुछ समय लगता है और हमारी एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो इस तरह से जो एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है। आप चाहे तो यहाँ पर चेक एप्लीकेशन स्टेटस पर अगर अपना फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो KVS में फर्स्ट क्लास में फॉर्म भरने का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ परेशानी आ रही हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।